Today I will tell you about premature ejaculation and its solution. Premature ejaculation is when you discharge before satisfaction of your partner. Premature ejaculation होता है कि जब आप अपने partner को satisfy करने से पहले discharge हो जाते हैं, तो इसे premature ejaculation कहते हैं. Premature ejaculation ज़्यादातर time से related नहीं होता, जैसा कि हमारे पाको हिंद में इसको timing का issue बनाया हुआ है. तो अगर आपका नॉर्मली 4 से 6 मिनट टाइमिंग होती है तो आप बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है. इस प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के जो मेन काजेज वजूहात है, इसमें पहला फिज़िकल, दूसरा केमिकल और तीसरा साइकोलॉजिकल. फिज़िकल एंड केमिकल में आता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन. इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में पिछली वीडियोज़ में हमने डिटेल से डिस्कस किया है और इसके हल के बारे में भी बताया गया है. दूसरा आता है हार्मोनल प्रॉब्लम. कुछ हार्मोन जैसा कि ऑक्सीटोसिन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वगैरह के इम्बैलेंस की वजह से भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकती है, लेकिन ये बहुत रेयर होती है, लेस कॉमन है. लो सेरोटोनिन एंड डोपामिन लेवल, ये कुछ केमिकल्स ब्रेन में होते हैं जो कि सेक्सुअल डिज़ायर और एक्टिविटी में रिलेटेड होते हैं. इनके लेवल कम होने की वजह से भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होती है. एक्स्ट्रा सेंसिटिव पेनिस, अगर पेनिस एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो, सेंसिटिविटी ज़्यादा हो, तो ये मेन काज होता है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का. इसमें बहुत ज़्यादा ही कम टाइमिंग होती है. वीक पेल्विक फ्लोर, अगर पेल्विक फ्लोर के मसल्स कम वीक हों तो ये भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का सबब बनते हैं. साइकोलॉजिकल में परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, यानी कि जिसको पहले ही अगर ये टेंशन होती है, एंग्जाइटी होती है परफॉर्मेंस की, तो वो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का मेन सबब है. डिप्रेशन, अगर कोई स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन से रहा हो तो इसमें भी ये मसला पाया जाता है. इसके ट्रीटमेंट में पहला आता है बिहेवियरल थेरेपी और दूसरा मेडिकेशन और तीसरा काउंसलिंग. बिहेवियरल थेरेपी में कुछ मेथड्स होते हैं जो कि ऑर्गिज्म को डिले करते हैं. इसमें पहला है स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक. इसमें होता है कि जब आप इंटरकोर्स में डिस्चार्ज के करीब हों तो आप कुछ सेकंड्स के लिए स्टॉप कर देते हैं, रुक जाते हैं, और उसके बाद दोबारा फिर स्टार्ट करते हैं. दूसरा होता है स्क्वीज थेरेपी. इसमें आप या आपका पार्टनर जब डिस्चार्ज के करीब हो तो जो पेनिस का ग्लांस है, हेड है, यानी कि जो टिप है, इसको चंद सेकंड्स के लिए पकड़ लेता है और फिर दोबारा फिर स्टार्ट करते हैं. इससे भी कुछ टाइमिंग में डिले होता है. और तीसरा है डिट्रैक्टेड थिंकिंग. ये होता है कि उस दौरान, इंटरकोर्स के दौरान, मुख्तलिफ इधर उधर की चीज़ों के बारे में सोचने से जब आपका माइंड डाइवर्ट रहता है तो इससे भी टाइमिंग डिले होती है. एनेस्थेटिक क्रीम्स एंड स्प्रेज, ये कुछ क्रीम्स और स्प्रेज वगैरह होते हैं जो कि ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव पेनिस, यानी कि सेंसिटिविटी को कम करने में मदद देते हैं, जिसकी वजह से फिर टाइमिंग में इजाफा होता है. और केगल एक्सरसाइजेस, ये एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि पेल्विक फ्लोर के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद देती हैं, जिसकी वजह से फिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में काफ़ी हद तक कमी आती है. इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिसमें एंटी डिप्रेसेंट्स, SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिसमें फ्लुऑक्सीटीन, पेरोक्सीटीन, सिटालोप्राम एंड एसिटालोप्राम वगैरह आती हैं. ये काफ़ी हद तक प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को कम करने में मदद देती हैं. और काउंसलिंग, यानी कि साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग, जिनमें अगर ये इमोशनल मसलन परफॉर्मेंस एंग्जाइटी वगैरह या डिप्रेशन हो, तो उनके लिए ये काउंसलिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है. अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको मेडिकेशन कौन सी इसमें सेफ होती है और कौन सी आप यूज़ कर सकते हैं और केगल एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा.
सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.